कर्नाटक में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी बना रही है मास्टर प्लान। क्या कांग्रेस का ये मास्टर प्लान कर्नाटक में चल पाएगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक चुनाव पर पड़ेगा? कर्नाटक में कांग्रेस की क्या है स्थिति, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। कर्नाटक में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई हैं। कर्नाटक कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी भी अब आम आदमी पार्टी की राह पर चल रही है। वो वहां एक ही हफ्ते में दो फ्री की योजना लेकर आए हैं। हिमाचल की तरह कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी चुनावी वादों की झड़ी लगाने में जुटी हुई है। सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने के बाद पार्टी ने अब एक और बड़ा वादा किया है। अब कांग्रेस पार्टी ने महिला वोटर को साधने के लिए बड़ा दाव चला है। पार्टी ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र बनाएगी। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो सोच समझकर ही वोट डालें। महिलाएं ये जरूर देखें कि क्या सत्ताधारी पार्टी ने महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए कुछ काम किया भी है कि नहीं, और अगर इसका जवाब मिल जाए महिलाओं को, तभी वो उस हिसाब से वोट डालें। नानाइकी नाम की महिला सम्मेलन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राज्य में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो घर की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए की मासिक नकद दी जाएगी। इस योजना से राज्य में 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ होगा, जिसका मतलब ये है कि सरकार को वादा पूरा करने के लिए हर साल 36,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस तरह की योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाएंगी। उनका रोज का जो बेसिक काम होता है उसमें इससे मदद मिलेगी। इससे कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात कही थी, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कर्नाटक की जनता के लिए ये योजनाएं काफी हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने तो बेलगावी से पीपल वॉइस यात्रा भी शुरू कर दी है। इस यात्रा का मोटिव यही है कि लोगों को आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट किया जा सके। भारत जोड़ो यात्रा और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के सम्मेलन की सफलता के बाद कांग्रेस को कर्नाटक में अपनी जीत और साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का अनुमान है कि कर्नाटक खड़गे का गृहराज है, तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। कर्नाटक में करीब 23% दलित आबादी है, तो अब तो ये तो टाइम ही बताएगा कि कांग्रेस की ये प्रेडिक्शन सही साबित होती है या नहीं। वैसे तो कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। अब दोनों ही समुदाय के लिए बीजेपी ने रिजर्वेशन की बात कही है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर्नाटक में शुरू हो चुका है। वैसे तो कर्नाटक आईटी हब है, लेकिन वहां पर भी अलग अलग तरह का जातीय समीकरण एग्जिस्ट करता है, जो कि चुनाव के टाइम पर काफी क्लियरली देखने को मिलता है। अभी कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अलग अलग समुदाय को लुभाने के लिए नए नए योजनाएं बना रही हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक में देखने को मिला था, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो असर चुनावी रिजल्ट में भी दिखेगा। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।